हाथ में और एक बार फिर आपको कहेंगे वेलकम बैक साथियों। इस वक्त आप लाइव रोड शो सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड बाजार से, जिसका पता है सेमेट्री रोड ब्रेडफोर्ड 36 सेमेट्री रोड ब्रेडफोर्ड। फोन नंबर है 4995999। और अगर आप इस वक्त की हमारी नशियात में, जिस तरह अभी हमने एक फरमाइश आपकी पूरी की है, हमारे किसी साथी ने फरमाइश की थी कि आप हमें कलाम सुनाएं, जी मियां मोहम्मद बख्श का कलाम सुनाएं, सैफ अल मुल्क सुनाएं, और वो आपके लिए हमने अभी पेश की और ये सिलसिला हमारा यूं ही जारी रहेगा। और अगर आप भी कोई फरमाइश करना चाहें तो आपको भी हम अपना टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए नंबर बताएंगे। हमारा टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए नंबर है 07800-599-563 07800-599-563। साथियों इस वक्त आप लाइव रोड शो सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड बाजार से, और अगर घर बैठे इस वक्त आप हमारी नशियात सुन रहे हैं तो घर ना बैठिए, यहाँ आ जाइए, इंजॉय करेंगे। यकीनन इस वक्त बड़ी रौनक है और देखने से ताल्लुक़ रखता है ब्रेडफोर्ड बाजार। जी हाँ, वसी कार पार्किंग की सहूलत, और इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि बाहर बहुत ही रश है, बहुत ज़्यादा इस वक्त कार पार्किंग जो है रोड तक कार पार्किंग चली गई है। और इसमें आप सभी का तहलूस और प्यार शामिल है जो कि आप यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, और ब्रेडफोर्ड बाजार आप सभी कस्टमर्स की मेहरबानी से, आपके प्यार से ब्रेडफोर्ड का नंबर वन, बल्कि यूके का नंबर वन शॉपिंग सेंटर बन चुका है। बहुत बड़ा बाजार जिसमें 100 से ज़्यादा स्टॉल्स मौजूद हैं, यानी कि आप ईद की शॉपिंग के लिए आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह चले आइए और सभी कुछ ले लीजिए जो कि आपको चाहिए। हर तरह की दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं, स्वीट्स की बात हो, खाने पीने की, कैफे बाजार की बात हो, हर तरह के मेकअप की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, फुटवेयर की बात हो, और कपड़ों की जहाँ तक दुकानों का ताल्लुक है, यहाँ से तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कि 50-60 से ज़्यादा दुकानें कपड़ों की यहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कैटलाग डिज़ाइनर कपड़े और हर तरह के लेडीज़ कपड़े जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसी की वजह से आपको मैं बताऊँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेडीज़ खवातीन यानी कि बहनें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप इस वक्त घर बैठे हमारी ये नसीहत सुन रहे हैं तो घर मत बैठिए, सीधे आ जाइए ब्रेडफोर्ड बाजार जो कि नंबर वन शॉपिंग सेंटर ब्रेडफोर्ड बाजार 36 सेमेट्री रोड। और हमारे सरदार जी का ये कहना है कि ब्रेडफोर्ड का नंबर वन यानी कि शॉपिंग सेंटर है और सीमेंट्री रोड पे वन एंड ओनली बाजार ब्रेडफोर्ड बाजार आपसे आपके लिए पेश है। और इस वक्त रेगुलर रमजान ब्रेडफोर्ड की लाइव कवरेज आपके लिए हम पेश कर रहे हैं ब्रेडफोर्ड बाजार से। जी हाँ, ब्रेडफोर्ड बाजार। और जैसा कि साथियों आपको हमने बताया था कि यहाँ पे हमारी ये कोशिश होती है कि जितने भी हमारे साथी यहाँ पे हमें मिलते हैं उनके तासरात भी हम आप तक पहुँचाते हैं, और खुशी होती है। आज बहुत से साथियों के इंटरव्यूज भी हमने आपके लिए पेश किए, कंपटीशन भी आपके लिए हुआ, नात भी यहाँ से लाइव पेश की गई। तो अगर आप इस वक्त घर में बैठे सुन रहे हैं हमारी ये नसीहत तो घर मत बैठिए, यहाँ आ जाइए और हमारी जो रौनकों हैं उनका हिस्सा बनिए, और हमारे इस स्टोर में आपकी शिरकत हमारे लिए बाईस साल इफ्तिखार होगी। साथियों आपको हम बता रहे थे कि हमारे एक साथी जिन्होंने इमिग्रेंट के हवाले से एक किताब लिखी है, द इमिग्रेंट इसका टाइटल है, इनका नाम है सैयद काशिफ सज्जाद। और गालबन इस किताब के ऊपर इनसे हमारी अब बातचीत होगी, खासी देर से हम इन्हें देख रहे थे, ये हमारे सामने यहाँ पे एक अपनी इस किताब की एग्जीबिशन के सिलसिले में मौजूद है। तो आप यूँ करते हैं कि काशिफ भाई को अपने इस लाइव स्टूडियो में रोड शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अब आपकी माइक में खोलता हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, थैंक यू। क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिजाज हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, गालबन 2009-2010 में मैनचेस्टर आपसे मुलाकात हुई। जी जी, वहाँ जब हम रेडियो स्टेशन चलाया करते थे तो अक्सर हमारी मुलाकातें रहती थी। वो कहते हैं ना कि एक तुम ही ना मिल सके वरना मिलने वाले बिछड़ बिछड़ के मिले। उस रेडियो की जितनी भी टीम थी अक्सर साथियों से हमारी अलग स्लैक रही है अभी तक। तो पहले ही आफ्ताब भी मेरे साथ इधर आए और ना तो गैदरिंग हो गई हमारी, काफ़ी अरसे के बाद आफ्ताब से मेरी मुलाकात आज हुई थी। कल रात को मैंने इसको बताया कि मैं बुक की इंफॉर्मेशन जो है उसका सेशन ब्रैडफोर्ड में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में चल रहा हूँ। तो सुबह सुबह मुझे 11 बजे मेरे घर आ गया, तो हम लोग इकट्ठे यहाँ आ जाए हुए। बल्कि इस बुक के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये किताब मैं कोई लिखारी तो हूँ नहीं, पैदाइशी लिखारी या ख़ानदानी लिखारी जिस तरह होते हैं, ये तो बस कुछ हालात और वाकयात ने जो इंफॉर्मेशन मुझे दी और जो कुछ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा उसको मैंने अल्फाज के अंदर बंद करके अभी एक कम्प्लीट एक बुक की शक्ल बन चुकी है। वो अब बोल साहिर लुधियानवी, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, मेरी कोशिश ये है कि जो भी नए वक्त
باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہاں انگلینڈ میں، یو کے میں، کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ شادی کر کے یہاں آ رہے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، تو ان کو یہاں کے حالات سے تھوڑا سا آگاہ کیا جائے۔ تو اس بک کا میں نے ٹائٹل اسی لیے امیگرینٹ رکھا کہ لوگ یہاں ہجرت کر کے آتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، فیملیز کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں انگلینڈ میں ریلوکیٹ ہوتے ہیں۔ ان کے برین کے اندر بہت سارے سپنے ہوتے ہیں، ان سپنوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو پورا کر دیتے ہیں، موسٹلی لوگوں کے وہ سپنے ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، یا تو ان سپنوں کو اکٹھا کرنے میں پوری عمر گزار دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اس میں لکھا ہے، بہت سارے انسان کے پرسنل جو تجربات ہیں، خصوصاً جو میرے اپنے ہیں، جی جی، یہ صرف ایک کتاب نہیں، ایک ٹرو اسٹوری ہے، اور ٹرو اسٹوری میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ آپ کی بایوگرافی ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یو کین سے دیٹ اٹس آٹو بایوگرافی، سم تھنگ لائک آٹو بایوگرافی۔ اس میں جو کوشچن بک میں رکھا گیا ہے کہ وٹ وڈ یو سیکریفائس بینگ این امیگرینٹ، تو ایک جو ہے امیگرینٹ کو میں نے پڑھا تھا کہ اردو میں اس کو کہتے ہیں مہاجر، ہجرت۔ تو اس کے بارے میں نے تھوڑی سی انفارمیشن نکالی جب انٹرنیٹ سے، تو میں نے اس کو ڈیپلی جب پڑھا تو اٹ واز اے پروفیشن آف پروفیٹس اینڈ سینٹس، بے شک، ان دا اولڈن ڈیز بیفور 400 ایئرز گو اٹ واز اے پروفیشن آف سینٹس پروفیٹس ٹو ریلوکیٹ فرام ون پلیس ٹو اندر ٹو پروموٹ دا میسج آف لارڈ، بے شک۔ تو وہ اسی حوالے سے بھی ہجرت کر کے ہم لوگ دوسرے کنٹری سے یہاں آتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، یا دوسرے یورپین ممالک ہیں وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ تو ان دنوں بھی جو پروفیٹس یا سینٹس تھے ان کو بہت سارے مسائل درکار تھے۔ اسی طرح آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم اپنی بدستگیر پاک و ہند میں اسلام کی جو ترویج ہے اور اسلام کی جو تبلیغ ہے، اس میں بھی اسی چیز کا داخلہ، سبھی کے سبھی تو یعنی کہ ادھر سے آئے ہو، اور یہاں بدستگیر میں جو اسلام کی نشو اشاعت ہوئی اس میں سب سے زیادہ تو ہجرت کرنے والوں کا ہی اس میں داخل ہے۔ ہاں جی، بے شک۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے اقبال، علامہ اقبال، اور گریٹ لیڈر دا پوئٹ، ان کی میں تھوڑی سی پوئٹری پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنی پوئٹری میں مخاطب کیا جو برے صغیر والے ہیں، جو پاک و ہند والے ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ اٹھو، یہاں سے نکلو، جاؤ دنیا دیکھو، انڈیا سے